सो। तो ये हमारी ए, क्लास सीरीज की हमारे कोर्स की फोर्थ क्लास है ये तो कुछ और क्लासेस आएंगी वो थ्री टू फोर जी होंगी आई थिंक तो एट क्लासेस या सेवंथ क्लासेस में आप लोगों का ये कोर्स पूरा जो है वो कंप्लीट हो जाएगा ठीक है तो यहाँ पे सबसे पहले अब आ जाते हैं फोर्थ क्लास में हम समझेंगे कि राइटिंग परफेक्ट कैप्शन फॉर इंस्टाग्राम ठीक है आप लोग कोई भी कैप्शन कोई भी परफेक्ट कैप्शन किस तरह से अपने पोस्ट के नीचे डिज़ाइन कर सकते हैं और किस तरह से लिख सकते हैं आई की अच्छी लगे और जो बाय जो कि हमारे व्यूअर्स हैं प्रोफाइल विजिटर्स हैं उन्हें अट्रैक्ट करे ताकि वो ताकि वो अच्छे तरीके से उसको पोस्ट को हमारी देखें स्क्रोल डाउन करें और हमारे प्रोडक्ट को बाई कर लें हमें कुछ इस तरह का कैप्शन जो है कि वो रेडी करने चाहिए ठीक है तो इसका इंट्रोडक्शन हम करते हैं और स्टार्ट करते हैं वीडियो तो ये वीडियो क्योंकि छोटी ही होगी क्योंकि यहाँ पे हम जस्ट राइटिंग परफेक्ट कैप्शन फॉर इंस्टाग्राम के बारे में ही व्यू करेंगे तो हम आ जाते हैं यहाँ पे सबसे पहले शॉर्ट एंड कैची कंटेंट आप लोगों का जो भी कंटेंट होगा वो काइंडली आप लोग फोकस किया करेंगे आप लोगों का शॉर्ट हो दूसरा ये कि वाई कैची कंटेंट हो लोगों को अट्रैक्ट करे बायर्स को अट्रैक्ट करे तो टिप नंबर वन भी यहाँ पे हम आ जाते हैं नो योर ऑडियंस तो आप लोगों को लाजमी सबसे पहले पता होना चाहिए कि आप लोगों की ऑडियंस जो है वो क्या चाहती है क्या नहीं चाहती आप लोगों को पता होना चाहिए मीन्स कि अगर क्लोथिंग ब्रांड है आप लोगों का तो आप लोगों को क्लॉथ uh, से रिलेटेड ही आप लोगों को है कि आप लोगों पे डिपेंड करता है कि आप लोग उसी से रिलेटेड चीजें डालें और अच्छी अच्छी चीजें डालें जो बायर्स को अट्रैक्ट करें तो जैसे ही वो चीज उसको अट्रैक्ट करती है कोई अच्छा सा ड्रेस अगर उसे जो है, वो करें, आप अपनी पे, अपने पेज पे तो अगर वेडिंग का सीजन ऑन नहीं है मीन के समर कलेक्शन है तो आप लोग समर कलेक्शन से रिलेटेड ही अपनी जो, जो हैं वो लॉन्च करें टिप नंबर टू पे हमारे पास यहाँ पे आ जाता है यूज हुक टू ग्रैब अटेंशन Means के यहां पे, hook का mean यहां पे के पे पे का ये है कि अगर आप लोग किसी भी पोस्ट को देखते हैं तो उसका जो कैप्शन होता है वो जस्ट वन टी एट करेक्टर्स या वर्ड्स का होता है उसके बाद वो हमें इंस्टाग्राम की तरफ से सी मोर का एक ऑप्शन नजर आता है जिसपे हम क्लिक करते हैं तो मोर करेंगे तो सारा कुछ शो होगा तो वो जो 128 हैं जो शो होते हैं सी मोर से पहले तो आप लोगों को चाहिए कि आप लोग उसी में ही कोई ऐसा कंटेंट कोई ऐसा कैप्शन लिखते दें कि जिसे पढ़ने के बाद जो कि हमारा प्रोफाइल विजिटर है या हमारा हमारे जो बायर्स हैं वो उसे देखने के बाद उनकी टेंशन ही आप लोगों की तरफ आ जाए मींस कि आपकी पोस्ट की तरफ आ जाए आप लोगों का जो कि कंटेंट है वो इतना आई कैचिंग होना चाहिए कि मींस को उन्हें सीम और मत करना पड़े जस्ट वो आपके कैप्शन को थोड़ा सा पढ़ के ही आपकी पोस्ट को लाइक करें और आपकी जो प्रोडक्ट है वो बाय कर लें तो इसी तरह से आप लोग अपने वायर्स को जो है वो ग्रैप कर सकते हैं जस्ट आप लोग आई कैची कंटेंट लिख के कई लोगों को इन चीजों के बारे में पता है बट उन्हें ये नहीं पता कि किस तरह से इन्हें यूज करना है तो मैं यहाँ पे आप लोगों को टिप्स दे रही हूँ आप लो, आप लोगों पर डिपेंड करता है आप लोग इसे फॉलो करते हैं या नहीं तो टिप नंबर थ्री हमारे पास यहाँ पे आ जाती है कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल ठीक है तो आप लोग अगर कोई भी चीज़ डिज़ाइन करते हैं या अपलोड करते हैं या आप लोग किसी भी चीज़ को इन स्टोरीज के लिए भी अगर यूज करें तो प्लीज कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल शॉर्ट चीज़ हर किसी को अच्छी लगती है ज़्यादा लॉन्ग हो जाए तो वैसे ही जो कि देखने वाले हैं वो उगता जाते हैं नहीं देखते तो प्लीज़ मेक इट सिंपल एंड शॉर्ट सिंपल चीजें बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं डिसेंट भी लगती हैं और प्रोफेशनल भी लगती हैं तो टिप नंबर फोर हमारे पास यहाँ पे आ जाती है टोटल क्रैक्टर लिमिट ट्वेंटी टू हंड्रेड तो जो कैप्शन की टोटल क्रैक्टर लिमिट होती है वो ट्वेंटी टू हंड्रेड होती है मीन्स के बाईस सौ और लिमिट होती है करेक्टर्स की मैं आप लोगों को खुल के यहाँ पे बता रही हूँ ज्यादा उर्दू यूज कर रही हूँ आप लोगों के दिमाग में ये बात जल्दी बैठे कई लोग होते हैं जो कि रिक्वेस्ट करते हैं कि मैम प्लीज आप जो कोर्स प्रोवाइड कर रही हैं तो प्लीज उर्दू में हो इंग्लिश में ना हो बहुत से पाकिस्तानी है जो उर्दू से जो कि उर्दू को अच्छे तरीके से सुनते हैं ना कि इंग्लिश को सुने इस वजह से मैं ज्यादातर मेरा ज्यादातर फोकस यही है कि मैं पूरे कोर्स में जितना हो सके उर्दू ही यूज करूँ ना कि इंग्लिश यूज करू आई होप यू अंडरस्टैंड व्यूअर्स आप लोग यूज करें कि किसी चीज से रिलेटेड अगर तो बॉक्स होता है उसे यूज करें तो बहुत अट्रैक्ट करता है व्यूवर्स को या अगर आप लोग कोई भी चीज कोई लिपस्टिक वगैरह की प्रोडक्ट आप लोग में देनी है तो वो लिपस्टिक का एक इमोजी होता है वो साथ आप लोग लगा दें वो भी बड़ा अट्रैक्ट करता है use proper hashtag hashtag आप लोगों ने यूज करने हैं अपने नीच से रिलेटेड आपकी नीच क्या है नीच का मतलब होता है कि आपका मींस के अगर हमें कोई शू करने है तो हम शू वाली शॉप पे ही जाएंगे ना तो वो एक नीच है शू ठीक है शू वाली शॉप जो है वो एक नीच है कि उनके आप आपकी नीच क्या है हम पूछते हैं किसी से वो तो कहेंगे मैं मेरी शू की शॉप है अगर किसी और से कि आपकी नीच क्या है तो मेरे क्लोथिंग मेरे ब्रांड है तो इसी तरह ये नीच नीच होती है ठीक है आपकी नीच क्या है आपकी नीच क्या है तो ये हमारे ब्रांड से रिलेटेड होती है कि आपका ब्रांड क्या है आपकी आइडेंटिटी क्या है आप क्या करते हैं तो वो बताते हैं कि हमारे ब्रांड है तो ये नीचे आ जाता है ठीक तो है, है, है तो आप लोगों ने अपने यूज़ यूज करने हैं के प्रॉपर अगर आप लोगों का क्लोदिंग से रिलेटेड है तो आप लोगों को चाहिए कि क्लोदिंग से रिलेटेड ही चीजें जो है वो हैश टैग यूज करें मीन्स के हैश क्लोदिंग हैशिंग हैश ऑनलाइन शॉपिंग हैश हैश ब् ब्ला तो यहाँ पे थर्ड स्लाइड है हमारे पास वो आ जाता है यहाँ पे थर्ड स्लाइड लास्ट वन स्लाइड हैशटैग फॉर इंस्टाग्राम ए, इम्पोर्टेंस ऑफ हैशटैग आएगा मैंने यहाँ पे ओड लिख दिया था सॉरी यहाँ पे मैं चेंज कर देती हूँ जी तो इम्पोर्टेंस ऑफ हैशटैग्स हैशटैग बहुत मैटर करते हैं कोई भी अगर हमारे व्यूवर्स कुछ भी सर्च करते हैं तो वो हैशटैग ही होते हैं जो हमने अपने उसमें ऐड किए होते हैं कोई भी अगर आता है ऑनलाइन शॉपिंग लिखता है तो अगर हमने वो हैशटैग यूज़ किया हुआ है तो वो आप लोग जो हमारे व्यूवर्स के सामने हमारी प्रोफाइल लाजमी शो करेगा इंस्टाग्राम ठीक है हैशटैग बहुत मैटर करते हैं मीन्स के अगर अम, कोई भी वायर आके कहता है कि ऑनलाइन शॉपिंग ऑनलाइन शॉपिंग तो ऑनलाइन शॉपिंग अगर आप लोग तो तो भी, तो भी आएगा ठीक है आपकी प्रोफाइल को फर्स्ट पे शो करेगा ये होती है बेसिकली कुछ हैशटैग यूज करने की टेक्निक्स होती हैं तो आप लोगों ने यूज लास्ट में करनी है क्योंकि कुछ लोगों को नहीं पता होता इन चीजों के बारे में

तो अगर आप लोग हैश टैग यूज करें उसमें क्लोथिंग के तो इस ये कोई मायने नहीं दे रहा ठीक है इट मेक एनी सेंस तो आप लोगों ने बोटल वाले ब्रांड में क्लोथिंग वाले हैश यूज नहीं करने आप लोगों ने यूज, यूज करनी है मीन के हैश बोटल है इसी तरह के टैग्स आप लोग अगर यूज करेंगे तो लोग सर्चिंग करेंगे सर्चिंग में आप लोगों का अकाउंट फर्स्ट आएगा और आप लोग इजीली ग्रो कर जाएंगे Uh, ये वीडियो uh, क्योंकि थोड़ी सी शॉट ही होनी थी क्योंकि इसके बाद मैं आप लोगों को टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में लाजमी शेयर करूंगी नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दीजिए इजाजत सून अल्लाह हाफिज